Hello everyone, I am Manish Mittal, commerce lecturer in SURAJ school. SURAJ school, where every child is special. SURAJ school always aims to create all our development of the students. Dear students, today I teach you some basic terms of accounting. These related with plus one. Dear students, plus one ke starting mein kuch basic terms ke baare mein hum padhenge. सबसे पहले हमारे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विच चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी पैसे से रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की विच चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजिशन, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं, उस ट्रांजेक्शन को कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. कोई भी पैसे का लेंगे बड़े, डियर फ्रेंड्स, ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप, दीज आर टू टाइप. फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल. इंटरनल, इंटरनल ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस की इंटरनल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज द इंटरनल ट्रांजैक्शन. एक्सटर्नल, जो बिजनेस के साथ साथ किसी बाहरी एक्सटर्नल पर्सन को भी इफेक्ट करे, दैट इज द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जस्ट लाइक परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान परचेज किए क्रेडिट पर आपने, गुड्स परचेज किया है. यहां पर गुड्स ये बिजनेस में आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए इंटरनल हुआ, साथ साथ क्रेडिट पर परचेज किया तो आपके क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करें उधर, क्रेडिटर आपके इंक्रीज हुए हैं, दैट इज द एक्सटर्नल. तो इंटरनल जो कि बिजनेस के इंटरनल को इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के साथ साथ एक्सटर्नल पर्सन को भी इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन. सेकंड टर्म इज इवेंट, इवेंट एनी कॉन्सिक्वेंस एंड द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट. कि ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं इवेंट. जस्ट लाइक परचेज गुड्स इन कैश, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दी ट्रांजेक्शन? दी ट्रांजेक्शन रिजल्ट, स्टॉक विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज. गुड से आपका स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश आपका डिक्रीज होगा, दैट इज द इवेंट, दैट इज द इवेंट. गुड्स परचेज की सेम वे पर, डियर स्टूडेंट्स, परचेज और गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान उधार बेचा है, रिजल्ट गुड्स आपकी बेटे डिक्रीज, गुड्स मतलब आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया है और दूसरा आपके डेटर इंक्रीज हो गए हैं. स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ है, डेटर आपके इंक्रीज हुए, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. बिजनेस के ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट रहेगा, इफेक्ट रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन द समराइज फॉर्म. लेजर रिकॉर्ड, लेजर पे रिकॉर्ड कर रहा है, लेजर रिकॉर्ड, दैट इज द फॉर्म ऑफ अकाउंट. इस फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, इस फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है. इट एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन द समराइज फॉर्म. समराइज मतलब एक चीज बार बार यदि हो रही है, एक डे में आप बार बार यदि परचेज कर रहे हैं
तो उसको बार बार ना लिख कर हम इकट्ठा लिख, एक दिन के अंदर जो ट्रांजेक्शन बार बार हो रही है, समराइज फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन का समराइज फॉर्म ऑफ आर विच इज टेकन विथ पर्टिकुलर पर्सन एंड थिंग्स स्पेसिफाइड, जो कि आपने लिया है किसी पर्टिकुलर पर्सन से या थिंग्स के जरिए आपके पास हुई है, उनको एक बार में लिखना, दैट इज नोन एज अकाउंट। अगेन आई रिपीट इट, एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन द समराइज फॉर्म। अकाउंट क्या है? लेजर के तौर पर आपको रिकॉर्ड करना, समराइज फॉर्म में, समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना ऑफ द ट्रांजेक्शन विच हैव टेकन विद पर्टिकुलर पर्सन एंड थिंग्स स्पेसिफाइड। किसी व्यक्ति से किसी चीज में आप बार बार जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको समराइज फॉर्म में लिखना, दैट इज नोन एज अकाउंट, दैट इज नोन एज अकाउंट। ये आपकी थर्ड की वीडियो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल क्या है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस माय एंटरप्राइज, कि ओनर प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा इज नोन एज कैपिटल, इज नोन एज कैपिटल। पैसा किस शेप में हो सकता है बेटे? पैसा कैश में हो सकता है, अगर आप कैश बिजनेस में लगा रहे हैं, कैश में आप गुड्स लगा रहे हैं। डेटवन यहाँ पर गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स के मीनिंग को समझिए। गुड्स ए बिजनेस इन विच डील्स, दैट इज नोन एज गुड्स। एक बिजनेस जिसमें डीलिंग करता है, जस्ट लाइक यदि आप फर्नीचर शॉप की बात करेंगे तो वहां पर फर्नीचर गुड्स है, लेकिन यदि आप ज्वेलरी शॉप की बात करेंगे तो वहां पर फर्नीचर गुड्स नहीं, वहां पर ज्वेलरी क्या है? गुड्स है, जिसमें वो डील करता है। कैश लगा रहा है, गुड्स लगा रहा है, या एसेट्स के फॉर्म में भी इसको लगा सकता है। एक कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बाय कैश और गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन्वाइटेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये पैसा क्यों लगाता है? टू स्टार्ट बिजनेस, टू रन बिजनेस, टू एक्सपेंड बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो पैसा लगाएगा वो भी कैपिटल है, अगर बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए उसे और पैसे की जरूरत है, अगर वो पैसा लगा रहे, दैट इज आल्सो नोन एज कैपिटल, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। अगेन आई रिपीट इट, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ओनर प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। किस फॉर्म में लगा सकते हैं? मैंने आपको बताया कैश में, गुड्स में, एसेट्स में। पर्पज होता है स्टार्ट बिजनेस, रन बिजनेस, एक्सपेंड बिजनेस। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग? ड्रॉइंग मनी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग। मनी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, पैसा निकालना या जितने कीमत का उसने सामान निकाला है, कहां से? बिजनेस से। किस लिए निकाला है? पर्सनल यूज के लिए निकाला है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग, उसे आप क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए क्लोथ बिजनेस है, अगर अपने खुद के पहनने के लिए कपड़े निकाल रहे बिजनेस से या फैमिली मेंबर्स के लिए निकाल रहे, फीस विड्रॉइंग इज आल्सो इंक्लूड इन ड्रॉइंग, इसे भी हम ड्रॉइंग कहेंगे। पैसा निकाल रहे पर्सनल यूज के लिए, वो भी ड्रॉइंग है। तो अगेन आई रिपीट इट, मनी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज ड्रॉइंग, इसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? द मनी विच फर्म आउटसाइड आउट टू द आउटसाइडर, जो पैसा फर्म ने आउटसाइडर को से उधार ले रखा है, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। जो पैसा दूसरे को पे करना है, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। लायबिलिटी पहले टू टाइप की होती है, फर्स्ट वन इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ओनर,
ओनर के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर को जो उसे वापस रिटर्न करना है, दैट इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में दो चीजें आती हैं, एक कैपिटल, एक बटे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। कि बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि ओनर का पैसा सेफ रखे, उसको लौटाए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यदि प्रोप्राइटर का पैसा जो है वो कम होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, साथ साथ उसे प्रॉफिट भी दे। क्यों? अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही मोटिवेट करेगा इन्वेस्टर को फ्यूचर में और पैसा लगाने के लिए। एक्नल जो बिजनेस को आउटसाइडर को रिटर्न करना है, बाह्य व्यक्ति को लौटाना है, जैसे इसके अंदर आता है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेट्रा, कि जिससे उधार सामान खरीदा है उसको लौटाना है, बैंक से में डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया वो लौटाना है, दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल बिजनेस के टुवर्ड्स जो लायबिलिटी है, एक्सटर्नल आउटसाइड पर्सन के टुवर्ड्स जो लायबिलिटी है। इसी में लायबिलिटी में फर्दर दो पार्ट डिवाइड किए गए लायबिलिटी के ही, पहला नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो पैसा बिजनेस को लौटाने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, जो पैसा बिजनेस को द मनी विच रिटर्न बाय द बिजनेस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, जो पैसा बिजनेस को लंबे समय के बाद लौटाना है, दैट इज द नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दोज मनी विच आर रिटर्न बाय द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मीन्स विद इन वन ईयर, 12 मंथ पीरियड में जो लौटाना है, नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड में, दैट इज द करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी के अगेन टू पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। दोज मनी विच आर रिटर्न बाय द बिजनेस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, दैट इज द नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टाइम पीरियड मीन्स आफ्टर 12 मंथ, और करंट लायबिलिटी दोज मनी विच आर रिटर्न बाय द बिजनेस विद इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मीन्स विद इन 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर जो पैसा लौटाना है, दैट इज द करंट लायबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई हैं, आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर आप समझे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स, हैव अ नाइट।